दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, ACNWC। आज का वीडियो है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो कि अपनी सेल्फ फार्मिंग के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों आप लोगों को कई सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे पीछे साइड में ये वाला जो मेरा फार्म है दोस्तों, इसको देख पा रहे हैं। ये मेरा फार्म दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि इस फार्म में अभी IB कंपनी का चिक्स पड़ा हुआ है। अब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं किए हैं और वो नए हैं किसान भाई, उनके लिए है कि दोस्तों अगर आप चिक्स डालते हो, चिक्स डालने के बाद में आप को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा और बहुत ही यूजफुल वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। सबसे पहली चीज ये होती है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो कि करता है एक कंपनी का जो सुपरवाइजर होते हैं, वो जो लापरवाही करते हैं वो है कि आपको समय पे चिक्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। आपने फार्म खाली किया है और फार्म खाली करने के बाद में आपका 10 दिन से महीनों निकल जाएगा, आपको आज टाइम दे देंगे, आज नहीं हो पाया है अब अगले हफ्ते में होगा, अगले हफ्ते के बाद में जब आप फोन करेंगे तो दूसरे हफ्ते में, इस तरह से वो एक लंबा समय आपका गंवा देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हर एक बंदे के पास इतना समय नहीं होता है कि वो इतना ज्यादा अपना समय का नुकसान कर पाए। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आपका मुर्गा अगर तैयारी पे है तो कभी कभी उन लोगों का ये कहना होता है कि भाई हम क्या है कि हम लोग के हाथ में नहीं है फीड का और हम फीड नहीं करा पाएंगे। जो समस्या मैं फेस कर रहा हूं दोस्तों उसको बता रहा हूं आप लोगों को कि वो लोग यही डायरेक्टली बोलते हैं कि इसका ऊपर से मुझे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी तब आपके यहां फीड आ पाएगा। जबकि मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज के चार दिन पहले मैंने सर से भी यही चीज़, जो हमारे यहाँ के सर हैं उनसे भी मैंने अपनी बुक को निकलवाया था। उस टाइम पे भी मेरा FCR भी बेहतर था और उसके साथ में हमारा मोर्टेलिटी दर भी अभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4% भी नहीं पहुंचा है, 3.21 के करीब में कुछ मोर्टेलिटी परसेंटेज है अभी, और फीड आना बंद हो जाता है। अभी जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मेरे चिक्स जो हैं आज कल से ही हमारे यहाँ का फीड का इशू चल रहा है और जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बट मैं बता रहा हूँ कि सुबह में मैंने इनको कहीं से कुछ किया है अपने हिसाब से, अब इसमें लगता तो एक दिन में 12 से 15 बैग फीड है तो हम किसान भाई कहाँ पे मैनेजमेंट कर पाएगा इतना ज़्यादा फीड का। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई आपकी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फीड का इशू आ जाया करता है। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका मुर्गा अगर मोर्टेलिटी होने लगी और आप चाह रहे हैं तो चाह के भी अपने निश्चित समय पे नहीं उठा सकते। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो हम किसान भाइयों का, काफ़ी सारे किसान ऐसे मतलब हैं जो कि दावा करते हैं, वो लोगों का कहना है कि अगर आप लोग जैसे कि मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हमें अभी इसको 2 दिन के अंदर बेच देनी है, पर कंपनी का होता कुछ ऐसे है कि हफ्तों लग जाते हैं आपका टोटली लिफ्टिंग में। जैसा कि अभी 2-3 केसेस मेरे सामने ही ऐसे हुए हैं, बहुत ही जल्दी की बात है दोस्तों कि वहाँ पे 4-4 दिन लग जाता है इनका और 4 दिन के बाद में ही आपका फाइनल लिफ्टिंग हो पाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे होता क्या है कि जिस दिन आपने लिफ्टिंग कराया है उस दिन आपकी बुक कुछ और आएगी और उसके जब 3 दिन बाद वही चीज़ उठेगा तो आपके यहाँ हो सकता है फीड नहीं हो, तो आपको बोल देंगे
आप मैनेजमेंट करिए, फीड लेके आइए, कहीं से भी डालिए, खिलाइए, इसको रोकिए। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। और तीसरी चीज़ जो अगली चीज़ जो है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी का सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वो है ये कि भाई कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अगर मान लीजिए कि आपको संडे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो जिस दिन आप बात करेंगे उस दिन तो कोई मतलब इतना वही नहीं, उनके लिए तो समझ लीजिए कोई बात ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुनेगा तब तक आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर नुकसान हो चुका होगा। तो ये कुछ कमियां हैं जिसको कंपनी वाले को भी सोचना चाहिए दोस्तों। और आप सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, किसान भाई हैं, आज के डेट में मेरे पास पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं, पता नहीं कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अजय भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों ये सब जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, इसको आप लोग सब लोग मिल करके ही हल कर सकते हैं। और अपने जो भी संबंधित आपके अधिकारी हों पोल्ट्री से रिलेटेड, उनसे आप लोग बात करिए कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमको देखने को मिलती हैं और जिसके कारण से हमारा कहीं कहीं नुकसान भी हो जाया करता है, तो इससे हमें थोड़ा सा किसानों के हित में आप लोग सोचना शुरू करिए और हम लोग का सपोर्ट करिए। वैसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो कि मुझे इस लाट में अपने मतलब इस साल में मुझे देखने को मिली हैं। वैसे मेरे साथ तो इतना इशू नहीं होता है दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम था कि मेरे यहाँ फीड का कुछ ऐसा हुआ, बाकी टाइम हो जाता है, हमारा काम समय पे होता है। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका एक ही बात कहना होता है कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्या किया जाए। तो वही मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो आप लोग ये मान के चलिए कि इन दिक्कतों को आप को भी झेलना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ फार्मिंग करेंगे तो इन दिक्कतों को नहीं झेलना पड़ सकता है। अब अगला वीडियो जो होगा दोस्तों कि अगर हम सेल्फ फार्मिंग करते हैं उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो वीडियो मैं आगे बना के दूंगा दोस्तों। अगला वीडियो होगा हमारा, उसके बाद में इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष फिर से मैं रखूंगा और उसके अगला वीडियो आएगा तो उसमें भी सेल्फ फार्मिंग का पॉजिटिव पक्ष रखने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।